ये है भारत की सबसे खूबसूरत जगह, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। ये है गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यहाँ पे आपको मिलता है एशिया का सबसे हाईएस्ट केबल कार, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है कि यहाँ से आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। तो चलो एक्सप्लोर करेंगे आज हम गुलमर्ग को इस वीडियो में, जहाँ पे आपको एशिया का सबसे ब्यूटीफुल 5-स्टार होटल भी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलो एक्सप्लोर करते हैं गुलमर्ग। सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित में, और इस व्लॉग में आप लोग घूमने वाले हैं ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन कश्मीर का, जो है गुलमर्ग। मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं गुलमर्ग के बारे में, किस तरीके से आप गुलमर्ग पहुंचेंगे। और अभी हम जनवरी में हैं, बहुत सारे निगेटिव वीडियो जो आपने देखे होंगे कि गुलमर्ग में कुछ नहीं है, कश्मीर में कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ है देखने के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी डिटेल्स मिलने वाली है गुलमर्ग से रिलेटेड, कि किस तरीके से आप अपना गुलमर्ग का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, गंडोला राइड किस तरीके से आप बुकिंग करेंगे, होटल्स के क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, और कितना ब्यूटीफुल है गुलमर्ग। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गुलमर्ग को। सो गुलमर्ग जाने के लिए सबसे पहले तो आप श्रीनगर में लैंड करेंगे, अगर इंडिया से कहीं, इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्सी कर लेंगे आप। टैक्सी करने के लिए आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, उससे आप बात कर सकते हैं। ये टैक्सी ड्राइवर बहुत ही अच्छा था, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे जो टेंटेटिव चार्जेज हैं वो 3000 पर डे के हैं, लेकिन जो सबसे पहला डेस्टिनेशन है जो हम घूमने आए हैं गुलमर्ग में, गुलमर्ग से पहले ही एक पलता है ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसके बहुत सारे रील्स वीडियोस आपने देखे होंगे। तो ये मस्ट विजिट प्लेस है गुलमर्ग का। तो ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल जाने के लिए या तो यहाँ से आप ATV बाइक कर सकते हैं, जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, अदरवाइज अगर आप ग्रुप हैं तो यहाँ से एक सेपरेट टैक्सी है, वो जाएगी वहाँ पे। तो आप जो टैक्सी आप लेके आए वो टैक्सी नहीं जाती है, तो टैक्सी स्टैंड में लग जाएगी, और यहाँ से जो हमने पे किया था वो 1000 पे किया था। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रंग वाटरफॉल, और ये हमारा पहला दिन है, और जैसा आपने देखा ही है कि अभी हम लोग श्रीनगर आज आए थे 2 बजे, तो अभी ड्रंग वाटरफॉल के लिए हमने ये जो गाड़ी करी है वहाँ से टर्मक से, वो इन्होंने जो है 1000 रुपया लिया है, और जिसमें हम लोग 6 लोग हैं, तो ये गाड़ी हमने बुक कर ली। अगर आप चाहें तो ATV बाइक भी बुक कर सकते हैं, जो आपको 2-2500 रुपया बोलेंगे, हो सकता है कि 1000 या 1500 में जैसा आप बार्गेन करते हो उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो चलते हैं ड्रंग वाटरफॉल को। तो फाइनली हम आ गए हैं ड्रंग वाटरफॉल में, और वैसे तो बहुत सारे मैंने वीडियोस देख के डिसअपॉइंट हो गए थे हम कि हमें ड्रंग वाटरफॉल पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार स्नोफॉल नहीं हुआ है, बट वर्थ इट है यहाँ पे आना। अगर आप अभी भी कश्मीर का आपने ट्रिप बनाया हुआ है तो ज़रूर आइए, विजिट करिए, देख सकते हैं अभी ड्रंग वाटरफॉल बहुत ही अच्छा है। सो हमने जो अपना स्टे लिया था वो लिया था पाइन स्प्रिंग के अंदर, और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ गुलमर्ग आप इसे कह सकते हैं, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं डालने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल पे बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबा लो, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके ऊपर सेपरेट ब्लॉग मैं डालूंगा। जब बहुत ज़्यादा स्नो होता है तो लोग टनमर्ग में ही जूता और जैकेट हायर कर लेते हैं, रेंट कर लेते हैं, बट हम जो है जस्ट गंडोला के पास में करेंगे। हेलो, जूते जूते आप कितने में दोगे? सर जी मैंने आपको बोल दिया 150 रुपये में है? आपके लिए सर 100 में दोगे, मुझे समझ गया, 100 में ही दोगे। अब कौन सा नंबर है आपके जूते? आपके जूते हमारे पास सेफ है। सेफ है ना? कितना नंबर जूता ये है? मैडम को कितना नंबर? मैडम कितना नंबर है आपका? 5 नंबर आ जाएगा। जूता 6 नंबर दीजिए। नहीं नहीं आप तो जो ये हाँ तो वहाँ वहाँ पे। सो हमने 100 रुपीज पर पर्सन में ये जो शूज है वो हायर किए थे, जैकेट की जरूरत है नहीं क्योंकि ये स्नोफॉल नहीं हो रही है। सो हमने ये 100 रुपीज में बार्गेन करके हायर किया था जस्ट गंडोला के पास में।
सो गंडोला राइड की बुकिंग ऑफलाइन नहीं होती है, सिर्फ ऑनलाइन होती है, और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग किस तरीके से करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड में मैंने जानकारी दी है। तो ऑनलाइन जो मैंने बुकिंग करी थी उसका टिकट लेके हम यहाँ पे लाइन में लगे हैं, रश बहुत कम है, तो हमें बहुत कम ही समय यहाँ पे लगेगा ऑन बोर्ड करने के लिए गंडोला राइड में, जो केबल कार यहाँ से चलती है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने फेज वन के लिए, और फेज वन के बाद हम लोग जाएंगे फेज टू, क्योंकि हमारी बुकिंग दोनों डेस्टिनेशन के लिए, वैसे जनवरी में ऐसे बोलते हैं कि बहुत स्नो होता है तो लोग फेज टू नहीं जाते, बट हमने जो अपनी बुकिंग करी है वो फेज टू के लिए भी करी है। तो इस सो फेज वन में जैसे ही आप आएंगे तो यहीं पे फेमस जो गुलमर्ग में है इग्लू कैफे, वो भी यहीं पे है, तो यहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं, इग्लू कैफे के मजे ले सकते हैं। सो ये इग्लू कैफे बहुत ही प्यारा लगता है, जिस तरीके से मैंने बहुत सारे रील्स वीडियोस देखे थे और बहुत ज़्यादा मेरा भी मन था कि मैं कैसा यहाँ पे फील होगा, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये कैफे। सो अभी हम आए हैं फेज वन पे, और फेज वन में बहुत कम स्नो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर स्नो एक्सपीरियंस करना है तो वहाँ पे हमें चल के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो स्लेज का ऑप्शन देंगे, वहाँ से आप पैकेज बुक करके वहाँ जा सकते हो और स्लेज का एक्सपीरियंस ले सकते हो, या फिर हॉर्स राइड भी कर सकते हो जाके स्नो के ऊपर। और आपको लेकिन बार्गेन करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे ये प्राइस आपको 2,500-3,000, बट आपको बार्गेन करके एक पर्टिकुलर प्राइस पे आना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे जाएं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो अभी जनवरी है, और जनवरी में इस तरीके का, सही में भाई ने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे और लोगों ने बताया था कि बहुत कम स्नो है, तो वाकई में बहुत कम स्नो है। बट हाँ, आप अपना कैंसिल मत करिएगा टूर प्लान, आप टूर प्लान ऑन रखिए, क्योंकि आपको फिर भी मज़ा आएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्नो नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी स्नो आपको देखने को, अगर फेज वन पे आते हैं आप गंडोला से, ये देख सकते हैं आप पीछे, ये वो गंडोला है, यहाँ से हम यहाँ पे हम आए थे, और पीछे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्नो अभी देखने को मिल रहा है हमें। तो फेज टू शायद आज नहीं जा रही है, क्योंकि काफ़ी हवा चल रहा है, तो फेज टू पे हम नहीं जा पाएंगे फॉर द सेफ्टी रीजन, बट फेज वन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गुलमर्ग में और कुछ है भी नहीं, जनरली लोग गंडोला राइड करते हैं और गंडोला राइड करके फेज वन फेज टू एक्सपीरियंस करते हैं। सो अभी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे ये फेज वन को, और उसके बाद फिर हम लोग लौटेंगे। सो फेज वन में अगर थोड़ा आप चल के आओगे तो यहाँ पे आपको बर्फ दिखेगा, आप देख सकते हैं, और चल के जो हम लोग आए हैं वहां से, सो आप देख सकते हैं पीछे वहां पे फेज वन एंड होता है, और वहां से यहां तक आपको पैदल चल के आना पड़ेगा अगर आप स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फेज वन में। फेज टू में तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ से बर्फ है, बट फेज टू तो आज जा नहीं पा रहा, तो फेज वन में भी लोग यहाँ पे आके ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे उनको फोटोज खिंचवाने हो बर्फ में, क्योंकि अगर आप आते हो गुलमर्ग में तो आप सोचते हो कि नहीं बर्फ के साथ फोटो खिंचवाने हैं, रील बनाना है, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, मतलब मुश्किल से 200-300 मीटर है, उतना आप चल के आएंगे तो यहाँ पे आके आप स्नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो जैसे देख रहे हैं आप ना, मैम साड़ी लेके आई हैं, तो आप भी यहाँ पे जब आएंगे गुलमर्ग तो साड़ी लेके आ सकते हैं, अगर आपको भी रील बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है अलग अलग बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर, तो इस तरीके से आप भी लेके आएँ साड़ी, और साड़ी पहने आप और रील बनाएं अपना। लड़कों के लिए नहीं है ये सजेशन, जो है जितने भी व्यूअर्स हैं जो गर्ल्स हैं उनके लिए, या फिर जो कपल्स हैं उनकी वाइफ आ रही है साथ में, जो आप रहे आपको हीरोइन समझते हैं। आप नीचे से आते हैं? हाँ, नीचे मोहम्मद रिजवान बोला ना आपने नाम? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान जी, हम जी बारामूला से आते हैं। बारामूला से आए हैं, और हमारे लिए गर्मा गर्म कॉफी तैयार है फेज वन पे है। मैम को दीजिए, पिलाइए मैम को। अब क्या करेंगे पी के बताओ कैसा है जी?
मैम से पूछ तो ले कैसा है। सही है, खुद बताएगा अपनी जुबान से कैसा है। अच्छा है तो फेज वन पे रमजान से मिलेंगे आपको कॉफी। सर चल सा की स्लेज आपको करेगा सस्ता ही करेगा। कितना करेगा? मतलब 5-5, 6-6 ज्यादा नहीं करेगा। 12 कितने की मैगी बन रही है भाईजान? जी सर। आपका गुड नेम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन भाई, फेज वन में मैगी खिला रहे हैं सबको। कितने में? 100 रुपया। 100 रुपए की मैगी, 11,500 फीट के ऊपर, 11,500 फीट के ऊपर 100 रुपए में मैगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो सामान है सर। और मोमोज? मोमोज मोमोज 200। आराम से जाना भाई, चलो जी। अरे So, अब हम लौटने वाले हैं नीचे, क्योंकि अभी हमें आज के दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल 5-स्टार होटल जो है खाइबर रिजॉर्ट। सो अभी हम नीचे जाएंगे, फिर खाइबर रिजॉर्ट का पूरा व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। सो आज मैं आपको इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, लग्जरियस रिजॉर्ट जो है खाइबर रिजॉर्ट, वो घुमाने वाला हूँ जो गुलमर्ग में पड़ता है। सो चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि आज हम अपना लंच जो है यहीं पे करने वाले हैं। सो बहुत कम ही वीडियो ऐसे गुलमर्ग के आपको मिलेंगे जिसमें आपको खाइबर रिजॉर्ट घुमा के वो दिखाएंगे, तो हम आपको खाइबर भी दिखाने वाले हैं। तो ये है खाइबर का एंट्रेंस, अभी हम खाइबर के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे हम लंच करने वाले हैं आज। तो पहले थोड़ा सा ग्लिम्स, एक टूर ले लेते हैं इस खाइबर रिजॉर्ट का। और जो सबसे फेमस जगह है इस खाइबर की, जो स्विमिंग पूल के पास, जो बहुत सारे वीडियोज आपने देखेंगे, वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ। तो सारा कुछ अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सो अभी हमारा जो लंच है वो आ गया है, पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी हमने मंगाया था यहाँ पे अपने लंच में। और ये करने के बाद हम जाएंगे स्विमिंग पूल वाले एरिया पे। और इसके बिल के बारे में मत पूछना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट फिर भी आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, वर्थ इट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे लाइफ टाइम हम उसको चेरिश करते हैं, उसमें से ये एक एक्सपीरियंस आपका लाइफ में हो सकता है। सो ये देख सकते हैं, खाइबर में जब आप आएंगे तो रेस्टोरेंट के बाहर में इस तरीके से एक पॉकेट बना हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये सारे रूम्स जो हैं इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, और इनके रूम्स के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वैली का व्यू आता है। तो आप स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं, अगर आपके बजट में ये फिट होता है रिजॉर्ट तो। If you are watching my videos for the first time, then I request you guys कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वीडियो में कमेंट करना, आई एम हेयर टू आंसर। सो दिस इज द मोस्ट आइकनिक प्लेस ऑफ खाइबर रिजॉर्ट, की बहुत सारे वीडियोज आपने सेलिब्रिटीज के बहुत सारे देखे होंगे आपने। ये सेंट्रली हीटेड है, ये स्विमिंग पूल हीटेड है, गर्म है स्विमिंग पूल, और माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एरिया है। सो ये था मेरा कंप्लीट व्लॉग गुलमर्ग का, और मुझे पता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। और वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बाय, टेक केयर।